चलिए हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ मास, और अच्छा लिखे अच्छा। शॉर्ट में बोलते हैं सीओएम, क्या बोलते हैं सीओएम। चलिए बेसिक चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए फिजिक्स में बहुत सारी चीजें जो आप फील कर सकते हो, अब तक जितना भी पढ़ाया मैंने वो आप देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे बैंकिंग ऑफ रोड मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, पढ़ाया था ना, और वो वाला फ्रिक्शन वाला बरसात में आप लोगों ने महसूस किया नहीं किया। एक आपको रील भी मैंने भेजी थी, देखा था व्हाट्सएप पे ना, वो फिसल जाता है। वो क्यों फिसल रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन आपका कम हो गया है, ठीक है। और कहीं भी पहाड़ों पे जाइए तो बैंकिंग ऑफ रोड होती है, या कहीं भी मोड़ पे देखिए तो बैंकिंग ऑफ रोड होगी होगी, क्योंकि क्या है नॉर्मल रिएक्शन एक कंपोनेंट दे देता है जो आपका भाई सर्कुलर मोशन है, तो आपको सेंटीपिटल फोर्स चाहिए चाहिए। बिना सेंटीपिटल फोर्स के आप क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन तो हो ही नहीं सकता है ना। तो वो चाहे फ्रिक्शन दे दे, अगर फ्रिक्शन नहीं दे पा रहा तो कौन देगा, तो बैंकिंग एंगल या नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसका फोर्स आपको क्या दे देगा, एक सेंटीपिटल फोर्स दे देगा, आप क्या कर जाएंगे टर्न कर जाएंगे, और वो चाहिए अगर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे स्किड हो जाएंगे। पढ़ाया था मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ऑफ रोड। अच्छा ऐसा टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हल्का सा एक बार में समझ में नहीं आता तो उसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी आप ज्यादातर चीजें फील कर सकते। अब सेंटर ऑफ मास की चर्चा करते, बातें नहीं बिल्कुल भी बातें नहीं, सेंटर ऑफ मास की चर्चा करते हैं। तो बताइए आप लोग कि क्या है बेसिक में सेंटर ऑफ मास, बताइए क्या है, बताओ बेटा सेंटर ऑफ मास क्या है, कोई बता सकता है? नहीं, पूरा मास हो। अच्छा बॉडी का वो पॉइंट जहां पे पूरा मास कंसंट्रेट होता है, तो क्या एक्चुअल में कंसंट्रेट होता है? बातें नहीं, आगे बिठा लूं, क्या है बात गौरव, गौरव क्या बात हो गई, कौन सी चर्चा चल रही है, हाँ क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन तो मुझे बताओ ना। अच्छा ये बता रहे तो मुझे बताओ, बताओ बेटा नजीम बताओ, बातें मत करो बेटा, बोर हो गए क्या, 40-45 मिनट और पढ़ना। अच्छा बातें नहीं, बातें नहीं, चलो शांत हो जाओ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का पूरा मास क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। बट क्या एक्चुअल में कंसंट्रेट होता है? नहीं होता है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। ये क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट है। अब ये मान लीजिए पेन है, सबको दिख रही है पेन, अगर ये पेन है तो क्या इसका सारा मास एक ही पॉइंट पर है? नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, मास तो यहां पे भी यहां पे यहां पे हर पार्टिकल का मास मास है, बट इसका एक पॉइंट होगा जहां पे इसका पूरा मास क्या होगा, कंसंट्रेट हो रहा होगा। अब उसका मतलब क्या है, उस पे ये बॉडी क्या है, देखो यहां पे अगर मैंने रखा इस जगह पर तो ये देखो ये क्या है बैलेंस है, तो लगभग इसी जगह पे क्या होगा सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मैं कहूं यहां पे रखूं तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा, अगर यहां पे करूं तो गिर जाएगा। अगर इसका पॉइंट मुझे सेट करना पड़ेगा, देखो अभी गिर रहा है, अभी वो सेट करना पड़ेगा, देखो देखो ये पॉइंट आया जहां पे क्या हो गया, इसका पार्टिकल हमारा पार्टिकल का सारा मास कंसंट्रेट है, तो यहां पे क्या हो गया बैलेंस हो गया, यहां पे बैलेंस हो गया। तो कहा जाता है कि ऑल द मासेज आर कंसंट्रेटेड, मतलब जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। लेकिन क्या एक्चुअल में कंसंट्रेट होता है उस पॉइंट पे, सारा मास उसी पॉइंट पे है? ऐसा नहीं है, मास तो हर जगह है ना, मास तो हर जगह है, बट ये तो एक पॉइंट कैसा हुआ, ये पॉइंट हुआ इमेजिनरी। क्या पॉइंट हुआ इमेजिनरी, इमेजिन किया कि इस पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में कंसंट्रेट हो रहा है, आपको दिख रहा है भाई मास तो हर जगह है, ये है इसका भी मास है, ये है इसका भी मास है, इधर भी मास है, तो मैं यहीं पे कैसे कह दूं कि यहां पे मास है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट जहां पे सारा मास कंसंट्रेट। मतलब क्या हुआ, अगर इस बॉडी को हटा के, इस बॉडी को हटा के मैं इस पूरे मास को एक पार्टिकल मास बना लूं, पार्टिकल मास बना लूं, तो वो सारा पार्टिकल मास जिस पॉइंट पर कंसंट्रेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। जो बॉडी है उसमें मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब तक हमने, अच्छा एक बात और समझ लो पहले, अब तक हमने जो भी पार्टिकल किए या फोर्स बराबर एम ए लगाया या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, वट एवर जो भी हमने पढ़ा, वहां पे मास को कैसा पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ा था कि पॉइंट मास पढ़ा था, पॉइंट मास पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था पॉइंट मास, का डिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं पढ़ा। और जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे
वो किस पे अप्लाई कर रहे थे, मतलब उसको पॉइंट मास ही मान लिया, तो पॉइंट मास का जो सेंटर है वही उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास भी है। तो हमने फोर्स लगाया किस पे लगाया, सेंटर ऑफ मास। जैसे मैंने आपको बताऊं कि जैसे हम लोग फोर्स लगा रहे थे यहाँ पे, तो ये बोल रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट है मास एम का, इस पे हमने फोर्स लगाया, इस पे हमने फोर्स लगाया, तो इसको क्या मान लिया था हमने, इसको हमने पॉइंट मास मान लिया था। मतलब बहुत छोटा सा मास है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो कंसीडर नहीं करें, ज्योमेट्री को कंसीडर नहीं करें। लेकिन जिस दिन हम इस ज्योमेट्री को कंसीडर करेंगे तो मास का इफेक्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मास का इफेक्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, इस पे फोर्स लगाया तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना, तो फोर्स लगाएंगे तो हमेशा ये क्या करेगा, ट्रांसलेशनली मोशन करेगा। क्या मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, रोटेशन मोशन नहीं हो रहा है, रोटेशन मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इस मास को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि एक ही पॉइंट पे मास है, अभी हमने क्या किया कि इस पूरे मास को हमने कंसीडर ऐसे कर लिया था कि ये इसका मतलब है कि कोई ऐसे कुछ भी मास होगा, छोटे पॉइंट पे लगाया तो इस पे लगा तो ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया। लेकिन देखिए, अगर हमारा जो मास है अगर वो अलग हो, इस तरह से हो, मतलब मास जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब देखो अगर यहां पे फोर्स लगाओगे, यहां पे फोर्स लगाओगे तो उसका इफेक्ट कुछ अलग होगा, ठीक है, यहां पे फोर्स लगाओगे उसका इफेक्ट कुछ अलग होगा और यहां पे लगाओगे तो उसका इफेक्ट कुछ अलग होगा। समझाता हूं अभी कैसे, वो रिमोट ले आओ जा सब, एसी रिमोट ले आओ बेटा, सबसे एसी रिमोट ले आओ। कॉपी दिख रही सबको, दिख रही कॉपी, बैठो, रिमोट दिख रहा है सबको, ठीक है, चलिए अब दिख रहा है रिमोट और ये कॉपी दिख रही है, ये तो इससे मैं फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं इससे फोर्स लगा रहा हूं तो देखो, अगर मैं इसके इस जगह पे फोर्स लगाऊं, मतलब ये यहां पे लगा रहा हूं फोर्स, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, जहां फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, मोशन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास में लगा रहा हूं, इसके मिड पे लगा रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। लेकिन अब फोर्स वही है, फोर्स वही है, मैंने इसको क्या किया, इसको इस पे लगा दिया इस वाले कोने पे, तो देखो ये क्या है, ट्रांसलेटरी है कि रोटेशन है, रोटेशनल मोशन है। अच्छा, अब इधर लगा दिया, देखो अब बताओ क्या है, अब रोटेशनल मोशन है। तो फोर्स तो वही था, फोर्स तो वही था, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया। और जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज हो गया तो वो रोटेशन मोशन हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हुआ। तो हम जो न्यूटन का लॉ वगैरह पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं भाई, न्यूटन तो कहते हैं कि फोर्स लगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन हुआ, न्यूटन साहब यही तो कहते हैं कि फोर्स लगा तो हमेशा बॉडी क्या जाएगी, एम इंटू ए। बट क्या उन्होंने मास डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर किया, उन्होंने मास डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि अगर बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, देखो आप खुद सोचिए, यहां पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये अब इसके अगर सेंटर पे हम लगा रहे हैं फोर्स, मान लो यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, तब तो ये आगे बढ़ेगा, तब तो ये आगे बढ़ेगा। बट अगर हम यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इधर ऐसे मूव कर जाएगा, ये ऐसे मूव कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। स्टूल से तुम लोग देख सकते हो, जैसे मान लो स्टूल है, ठीक है ना, तो कुछ भारी हो गया, अगर इसके बीच सेंटर में तुम लोग लगाओगे फोर्स तब तो ये आगे जाएगा, लेकिन अगर ऊपर लगाओगे तो क्या करेगा, ये तो पलट जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको नहीं दिखा सकते, बॉटल उठाओ, बॉटल उठाओ। अच्छा देखो, बॉटल दिख रही सबको, दिख रही सबको बॉटल, तुम लोगों को सब पता है, बस ऐसे ही वो करते हो। अगर यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, देखो यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, देखो तो ये क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ये कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। देखो भाई, पानी वानी भरा हुआ है ना इसका, सेंटर ऑफ मास मिड में नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास डिपेंड अपॉन द मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऊपर से खाली है, नीचे से भरा हुआ है, थोड़ा सा पानी पी लिया बच्ची ने, तो क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास
नीचे आ गया तो हम थोड़ा सा मिड पॉइंट, हमेशा सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे नहीं होगा, किस पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। पानी थोड़ा ज्यादा नीचे है तो मास कहां सेंटर ऑफ मास क्या आया, नीचे आया। अब यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। अब देखो अब यहां पे फोर्स लगाएं क्या होगा, रोटेशन मोशन हो जाएगा। इधर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। तो बात समझ में आई, जो न्यूटन साहब ने बोला कि फोर्स बराबर एम इन टू ए वो किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास के लिए वैलिड है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए वैलिड नहीं है। तो सेंटर, अब बात समझिए सेंटर ऑफ मास की चर्चा क्यों आवश्यक है भाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट पॉइंट मास नहीं है इन रियलिटी भाई। न्यूटन तो कह के चले गए, अब झेलना हम लोग को पढ़ रहा है ना। तो एक्चुअल देखिए आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स का एप्लीकेशन है बेटा हर जगह पे, फिजिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो अप्लाई कर रहे हैं ना भाई। फिजिक्स पढ़ के ही तो फिर मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट बने और चीजें बनी, और मैकेनिक्स में यूज कर रहे हैं इंजीनियर लोग, तमाम चीजें बना रहे हैं और सब चीजें हो रही हैं। तो उसका एक्चुअल में तो अब न्यूटन तो कहेगा फोर्स बराबर है, लेकिन जब साइंटिस्टों ने देखा तब उन्होंने बताया कि आपने बताया तो ठीक है, लेकिन ये बात केवल पॉइंट मास के लिए सही है, केवल पॉइंट मास के लिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो आपकी कही हुई बात सही नहीं है, वहां पे कुछ रोटेशन वगैरह आ जाएगा, और उसकी चर्चा ही हम लोग किसमें करेंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स में हम इन्हीं सब चीजों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब फोर्स, अब देखो सेंटर ऑफ मास की चर्चा क्यों आवश्यक है, हम रोटेशन पढ़ने से पहले सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ते हैं, इस बात को आप समझिए। रोटेशन हमारा चैप्टर है रोटेशन, बट उसका प्री रिक्वेस्टिव है सेंटर ऑफ मास, प्री रिक्वेस्टिव है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इसलिए पढ़ते हैं कि जैसा ही इसका, अगर हम इसका एक सेंटर ऑफ मास मान लें, अगर हम इसका एक सेंटर ऑफ मास का पॉइंट मान लें तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, अगर उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये पूरी बॉडी कैसे बिहेव करेगी, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कैसे बिहेव करेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट। भाई इसके सेंटर ऑफ मास पे अगर हमने फोर्स लगाया तो क्या हो गया, ये तो ये क्या कर गया, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। इसके सेंटर ऑफ मास पे लगाया तो क्या हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, ठीक है। तो उन सारी चर्चाओं के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास की पढ़ाई करेंगे, और सेंटर ऑफ मास का रोटेशन में भी यूज आएगा, यहां से हम डिस्टेंस वगैरह निकालेंगे और सारी चीजें करेंगे, रोटेशन में जब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि क्या है। लेकिन आपको यह समझ में आया कि एफ बराबर एम ए हमारा नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड मास, मतलब केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लगा सकते हैं एफ बराबर एम ए। और अगर हमारा मास जो है और जो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता ही है, हम मान लेते हैं जैसे इस रिमोट को भी है, तो रिमोट कितना होगा, 100-200 ग्राम का होगा, इसको हम तो 2-2 किलो 5-5 किलो के ऑब्जेक्ट को भी हमने पॉइंट मास मान लिया। सवाल किया ना एनएलएम में, एनएलएम में सवाल किया था ना, 5 kg का बॉक्स है, 10 kg का बॉक्स है, तो उसको मान लिया हमने क्या, पॉइंट मास ही मान लिया। अब देखिए इसके एप्लीकेशन पर रोटेशन हो जा रहा है, इसमें भी ये 200 ग्राम का ही होगा, ठीक है, इसमें भी रोटेशन, अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर चेंज है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज है, तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है, कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो 10 kg के ब्लॉक पे कैसे ट्रू होगा, 10 kg के ब्लॉक पे ट्रू नहीं होगा, लेकिन एनएलएम में हम मान लेंगे। आप अपने सवालों में करेंगे ऐसा नहीं कि उसको कह देंगे सर नहीं होगा हम नहीं लगाएंगे सब बेकार है, सब गलत है, ऐसा नहीं है, वो उसकी चर्चा है कि उसको आपने पढ़ के सीख के समझ के आए हैं। अब हम चर्चा आगे अपनी स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मोशन है तो हमारा क्या होगा, तो रोटेशन मोशन कोई अलग चीज नहीं है, वही चीज है, लेकिन उसका और क्या है, क्रिस्टल क्लियर, मतलब उस चीज को और ज्यादा रिफाइन कर रहे हैं आप। आपने एनएलएम पढ़ा, वो गलत थोड़ा ना पढ़ा, सही पढ़ा, अब उसका और आपके अंदर और समझ विकसित हुई, धीरे धीरे और समझ विकसित हुई, तो हम क्या समझ में आया कि मास हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर डिपेंड करेगा, तो हम इसके रूप में चर्चा करेंगे। क्या समझ में आई बात मेरी, ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बॉटल किसकी है, चलिए लिखिए लिखिए, इट इज एन सेंटर ऑफ मास हेडिंग डाल लिया, लिखिए इसमें इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज
कंसंट्रेट, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर विष्णु सर वो चला दीजिए एसी, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेट, बॉडी कंसंट्रेट। नेक्स्ट लिखिए करेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर ऑफ मास, शॉर्ट में लिखिए COM, करेक्टरिस्टिक ऑफ COM, करेक्टरिस्टिक ऑफ COM या सेंटर ऑफ मास, करेक्टरिस्टिक ऑफ COM या सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट लिखिए इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट देखिए बात समझिए, सेंटर ऑफ मास का थोड़ा और एग्जांपल समझ लीजिए। एक टेबल है, टेबल के ऊपर समझ लीजिए ये क्या है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक स्क्वायर प्लेट रखी हुई है, दिख गई स्क्वायर प्लेट, दिख गई, टेबल है, टेबल के ऊपर स्क्वायर प्लेट रखी है, मान लीजिए जैसे ये रखा हुआ है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है स्क्वायर प्लेट ये रखी हुई है, तो इसके अगर चारों कोनों पे आप क्या करें रस्सी बांध दीजिए और इसके सेंटर पे भी आप रस्सी बांध दीजिए और इसको आप उठाइए, इसको आप उठाइए, उसके बाद क्या करिए ये चारों रस्सी को आप अगर हटा दें तो भी क्या करेगा ये जो ये है मतलब आपका स्क्वायर प्लेट है वो स्टेशनरी रहेगी, वो क्या रहेगी स्टेशनरी रहेगी, क्योंकि सारा ही मास किस पे कंसंट्रेट हो रहा है सेंटर ऑफ मास पर, सेंटर ऑफ मास पर। तो ये एक एग्जाम्पल है बुक्स वगैरह में दिया हुआ है इसलिए बता दिया आपको, ठीक है सेंटर ऑफ मास। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखिए, अरे फर्जी फर्जी के एग्जांपल है लेकिन कर लीजिए, ठीक है ये आपका क्या है सी शेप का, मान लीजिए कोई रॉड है, सी शेप का कोई रॉड है, ठीक है अच्छा बताओ इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो चलो हम कुछ चर्चा करते हैं बेसिक, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, इस तरह भी सेंटर ऑफ मास हम निकालते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी बता देते हैं। इन दोनों यहां पे दोनों पॉइंट पे मैंने क्या किया रस्सी बांधी और उसको ऐसे उठाया, इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रस्सी बांधी और एक पॉइंट पर ऐसे इसको जोड़ के उठाया तो बैलेंस नहीं रहा, फिर मैंने क्या किया इन दोनों पॉइंट पे, भाई इन दोनों पे उठा लेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या होगा नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है इस वाले पॉइंट पे उठाया बांध के इस पे उठाया तो क्या होगा ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, बैलेंस रहेगा नहीं रहेगा। फिर हमने क्या किया इस वाले पॉइंट पे आए, फिर हमने बांध के उठाया, फिर ये उधर हो गया, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में बेटा कोई पॉइंट होगा ऐसा
कि जहां पे बांध के आप उठाओगे तो ये बैलेंस पे आ जाएगा, ये बैलेंस पे आ जाएगा। क्या ये बात आप इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिनेशन ही है बेटा, कर रहे हैं इमेजिनेशन। अगर इधर इधर बांधा तो ये क्या होगा, झुक जाएगा। इधर इधर बांधा तो ये क्या होगा, झुक जाएगा। बट इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट जरूर होगा कि अगर हम वहां पे रस्सी बांध के इसको उठाएं तो क्या होगा, बैलेंस होगा। और वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। अब बात समझिए, सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि सिस्टम पर हो। जरूरी अभी स्क्वायर प्लेट में तो देख लिया, स्क्वायर प्लेट पर था, स्क्वायर प्लेट पे था। बट यहां पे क्या है भाई, हमारा ऑब्जेक्ट तो ये है, सिस्टम तो ये है। क्या सेंटर ऑफ मास सिस्टम पर है? नहीं है। सेंटर ऑफ मास कहां है? आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम। तो पहली बात ये कि ये क्या है, इमेजिनरी पॉइंट है। क्या है? इमेजिनरी पॉइंट है, क्योंकि कंसंट्रेट होता है ये माना जाता है, लेकिन क्या एक्चुअल में होता है? एक्चुअल में तो कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, एक्चुअल में तो मास, भाई मास यहां हवा में थोड़ा ना है, मास मास कहां पे है? तो एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड ना, यहां पे भी है तो मास तो पूरे में फैला है, बट इस वाले पॉइंट पे क्या है, सेंटर ऑफ मास ये है। तो पॉइंट कैसा है, इमेजिनरी। सेकंड पॉइंट क्या है, सिस्टम पर भी हो सकता है और आउटसाइड द सिस्टम भी हो सकता है, सिस्टम पे भी होगा और आउटसाइड द सिस्टम पे भी हो सकता है। तो नेक्स्ट ये लिखाया मैंने क्या, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट लिखाया, और नेक्स्ट लिखाया सेकंड करेक्टरिस्टिक ऑफ सीओएम लिखाया, नहीं लिखाया, क्या लिखाया? हाँ, पहला पॉइंट लिखा है ना, सेकंड वाला पॉइंट लिखो, इट मे बी ऑन द सिस्टम। सेकंड पॉइंट लिखिए, करेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर ऑफ मास में, इट मे बी ऑन द सिस्टम और आउटसाइड द सिस्टम, इट मे बी ऑन द सिस्टम और आउटसाइड द सिस्टम। इट मे बी ऑन द सिस्टम और आउटसाइड द सिस्टम, ये क्या है, कोई रिंग है। क्या है? कोई रिंग है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? रिंग क्या है यहां पे, एक्चुअल में मास है? नहीं है। सिस्टम पर है? सिस्टम पर भी नहीं है, आउटसाइड द सिस्टम पर है। भाई रिंग है, रिंग का यहां से यहां पर रस्सी बांध दिया और यहां से उठा लिया तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, लेकिन सिस्टम पर है नहीं है, और इमेजिनरी पॉइंट तो ही है। ठीक है, चलो नोट करिए। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए, व्हाई वी नीड कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाई वी नीड कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। लिख लीजिए, उतारिए। तो जब भी हम इसकी एफबीडी बनाते थे, मास एम 5 kg, 10 kg, 20 kg, कुछ भी होता था, इसकी एफबीडी बनाते थे तो इसको क्या मान लेते थे, पॉइंट मास मान लेते थे। पॉइंट मास मान के क्या करते थे, एफबीडी इसकी बनाते थे। बना लीजिए इतना,
फिर लिखिए एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए क्या है, न्यूटन का कौन सा लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ है एफ बराबर एम ए। इसके बाद लिखिए, इतना नोट करिए, फिर लिखिए इट इज वैलिड ओनली फॉर द पार्टिकल, ओनली फॉर द पार्टिकल और पॉइंट मास, इट इज वैलिड ओनली फॉर द पार्टिकल, क्या हो बेटा कुछ भूल गए, दोबारा बोले, इट इज वैलिड फॉर पार्टिकल और पॉइंट मास, इट इज वैलिड फॉर पार्टिकल, यहां तक लिखने के बाद, न्यूटन सेकेंड लॉ लिखने के बाद, इट इज वैलिड फॉर ओनली फॉर पार्टिकल और पॉइंट मास, न्यूटन का सेकेंड लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास और पार्टिकल के लिए वैलिड, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, हिंदी में लिख लीजिए, जैसा मोशन और बिहेवियर, जैसा मोशन या बिहेवियर सेंटर ऑफ मास का होगा, जैसा बिहेवियर या मोशन सेंटर ऑफ मास का होगा वैसा ही पूरी बॉडी का होगा, जैसा मोशन या बिहेवियर सेंटर ऑफ मास का होगा वैसा ही पूरी बॉडी का होगा, जैसा मोशन या बिहेवियर सेंटर ऑफ मास का होगा वैसा ही पूरी बॉडी का होगा, ठीक है। और लिखिए, हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ फ्रेम, इफेक्ट ऑफ फ्रेम, अरे इफेक्ट ऑफ फोर्स, सॉरी इफेक्ट ऑफ फोर्स, हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, देखिए ये कैसा होगा मोशन, यहां पे लगाया मोशन किधर होगा, तो ये दोनों क्या है, रोटेशनल मोशन, लिखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसमें लिखिए फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, लिखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन शेप साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफेक्ट ऑफ मास, इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन शेप साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स शेप एंड साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा ना भाई, जैसे इस पे लगा रहा था तो ये क्या कर रहा था, ये गिर ही जाएगा, बट अगर बॉल में लगाऊंगा तो क्या करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, रोटेशनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री पे भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा, शेप और साइज पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा ही करेगा। डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड कितना फोर्स का लगा रहे हैं हम, उस पर डिपेंड तो करेगा ही। तो दो पॉइंट हो गए, शेप साइज ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट लिखिए, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी। किस पर डिपेंड करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी। चलिए हो गया, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का बेसिक आइडिया हम लोग को लग गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इसको कैलकुलेट करें, भाई कैलकुलेट भी तो करना है, तो कैसे कैलकुलेट करें। तो लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। इसमें हेडिंग डालेंगे, छोटी सी हेडिंग, सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा मूवमेंट ऑफ मास। क्या पढ़ना पड़ेगा, मूवमेंट ऑफ मास, एक टॉपिक है मूवमेंट ऑफ मास। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वैसे ही क्या है, मूवमेंट ऑफ मास। समझ लेंगे इसको ढंग से, मूवमेंट ऑफ मास क्या मतलब है इसका, इसको लिख लो पहले तब समझाता हूं। लिखो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस, विद द मास ऑफ द बॉडी, विद द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम, विद द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस एक्सिस विद द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम। बात समझिए, कुछ नहीं है, एक आपका मान लीजिए मास है, ठीक है, मास है एम मास का, ठीक है ना। अरे मास क्या मतलब, ऑब्जेक्ट है किसका, एम मास का, एम मास का आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब रेफरेंस एक्सिस, तो कोई रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं, कोई भी कहीं भी मान लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां पे मान लिया एक रेफरेंस एक्सिस मान ली, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से निकाल ली, इस ऑब्जेक्ट की क्या निकाल ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसकी जो डिस्टेंस आई वो क्या आई, डी। इस कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास क्या था, एम था, और ये हमने क्या मान ली, रेफरेंस एक्सिस, क्या मान ली, रेफरेंस एक्सिस, और यहां से और ऑब्जेक्ट की क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी। तो मूवमेंट ऑफ मास क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मास, ढंग से समझिएगा टर्मिनोलॉजी, मूवमेंट ऑफ मास ये एक टर्म है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस इज इक्वल टू एम इंटू टी। दो तीन बार मास मास आ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। मूवमेंट ऑफ मास एक क्या है, परिभाषा है जिसको हमको निकालना है। तो मूवमेंट ऑफ मास एक क्या है, मूवमेंट ऑफ मास हमको निकालना है, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे वैसे क्या है, मूवमेंट ऑफ मास। और किसका निकालना है, मोमेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, मास एम का कोई ऑब्जेक्ट है, मास एम का कोई ऑब्जेक्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू कहां से, विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू अ
रेफरेंस एक्सिस बराबर एम इंटू डी, जहां पर एम क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस। लिख लीजिए इसको एक बार, लिख लीजिए नहीं तो बार बार कंफ्यूज होंगे। एम क्या है आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट और डी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। किसी को सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद है किसी को, नहीं याद है? अरे कभी पढ़ाओ बचपन में, नहीं कितना, हाँ एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, हाँ बेटा और अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू की आर वन प्लस आर टू, बताओ आर वन प्लस आर टू ना, हाँ आर वन प्लस आर टू करोगे तो रैंडमली करेक्ट होगा, एम वन प्लस एम टू ही सही है। सेंटर आप मास जो है एक लोकेशन आएगी ना तो उसका डायमेंशन क्या होगा एक्स होगा ना, तो ऊपर क्या है एम इंटू एक्स और नीचे क्या है एम, मास मास कटा तो एक्स आ गया, नहीं बेटा ऊपर क्या है मास इंटू डिस्टेंस, नीचे क्या है मास, मास मास कटा तो डिस्टेंस आ गया, और इधर भी तो डिस्टेंस ही होगी, सेंटर ऑफ मास तो एक पोजीशन है ना, तो ये सही है, कंफ्यूज नहीं होता, मैं तो कर रहा था तुम लोगों को कंफ्यूज, ये सही बताया फॉर्मूला। चलो अभी देखते हैं इसको रटेंगे नहीं, इसी को हम निकाल रहे हैं, इसी को डराइव कर रहे हैं हम लोग ना, समझेंगे। अभी समझ में आया मूवमेंट ऑफ मास का डिफिनेशन, समझ में आया, आगे चले। मूवमेंट ऑफ मास क्या है एम इंटू डी, एम इंटू डी, चलिए आगे चलेंगे हम। अरे जल्दी करो समय नहीं है, 10 मिनट का समय, 10 मिनट में खत्म करना है टॉपिक। चले मोमेंट ऑफ मास बराबर एम इंटू डी, ठीक है नोट करो इसको सारे को, जल्दी से नोट करो, थोड़ा तेजी से करिए। चलें आगे चलें, नोट हो गया, चलो चलिए। तो हमने कहा कि जो अच्छा कोई कोई बॉडी है तो उसमें बहुत सारे मासेज हैं ना, छोटे 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 बहुत सारे मास है, कोई सिस्टम है मान लीजिए, इसमें एक मास क्या है यहाँ पे m1, दूसरा है m2, तीसरा है m3, ऐसे करते करते मान लो mn, बहुत सारे मासेज हैं m1 m2 m3 करके mn, छोटे छोटे मासेज को मिला के एक सिस्टम आपका बना, एक आपने क्या बना लिया रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन से इसकी दूरी कितनी, इसकी दूरी मान लो x1, क्या मान लो x1, इसकी दूरी मान लीजिए x2, इसकी दूरी मान लीजिए x3, और इसकी दूरी मान लीजिए कितनी xn, ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, ये क्या है रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, ये सारी क्या मान लिया हमने। अब बताइए मूवमेंट ऑफ मास m1, मूवमेंट ऑफ मास m1 कितना हो जाएगा m1 x1 विद रिस्पेक्ट टू, अब नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है, समझ आ रहा ना, मोमेंट ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस ऑफ दिस रेफरेंस लाइन, ठीक है, मोमेंट ऑफ मास m2 कितना होगा m2 x2, तो सो ऑन मोमेंट ऑफ मास mn कितना होगा, कितना होगा एम एन इंटू एक्स एन, होगा कि नहीं होगा, तो मूवमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा भाई, इस वाले पार्टिकल का मूवमेंट कितना हुआ एम वन इंटू एक्स वन, इसका क्या हुआ एम टू इंटू एक्स टू, इसका क्या हुआ एम थ्री इंटू एक्स थ्री, इसका क्या हुआ एम एन इंटू एक्स एन, बीच में बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो सारे पार्टिकल का मूवमेंट कितना होगा, सबको एड कर दें, छोटे 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 पार्टिकल के जो मूवमेंट है उनको सबको क्या कर दू मैं
ऐड कर लूं, कर सकता हूं। तो व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ सिस्टम, मूवमेंट ऑफ, देखो लैंग्वेज देखिए, मूवमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ, रुको पार्टिकल नहीं लिखो, क्या लिखेंगे हम, मूवमेंट ऑफ सिस्टम ही लिखिए, मूवमेंट ऑफ सिस्टम। ये जो मूवमेंट ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस प्लस सो ऑन प्लस एम एन एक्स एन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी से नोट करिए इसको, बहुत जल्दी से नोट करेंगे। एम वन एम टू एम थ्री एम फोर बहुत सारे पार्टिकल होंगे अप टू एन। यहां तक नोट करिए, जहां तक मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम। अच्छा अब एक बात बताइए, इसको जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। सेंटर ऑफ मास किसे बोलते हैं, जहां पे पूरा मास क्या होता है, पूरा मास क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, पूरा मास क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। तो हमने कहा देखो हमारा पूरा सिस्टम एक्चुअल में कैसा था, एक्चुअल में सिस्टम क्या था, डिस्ट्रीब्यूटर था, इस तरीके से था। बट हमने हमने पढ़ा, हमने सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ा, भाई ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है इसको मैं ऐसे नहीं कंसीडर कर रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये जो है ये पूरा क्या है, एक पॉइंट मास की तरीके से है। और पूरा पूरा मास क्या है, क्या सारे मासेस क्या है, यहां पे कंसंट्रेट है। और इसकी डिस्टेंस मैं कहां से निकाल लू, रेफरेंस लाइन से निकाल लू, तो क्या यही सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है, भाई यही तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। मैंने कहा ऑल द मासेस आर कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, तो अज्यूम किया कि रेफरेंस लाइन से xCOM की दूरी पर कंसंट्रेट हो रहा है, ठीक है, कितना मास, सारा ही मास। तो कैपिटल एम किसके बराबर होगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस प्लस सो ऑन प्लस एम एन। बात समझ में आई, अब बताओ अब मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, अब सॉरी अब मूवमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सिस्टम अब क्या होगा बताइए, एम इंटू एक्स सीओ। अब मूवमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस। अच्छा ये मास ऑफ द सिस्टम और ये मास ऑफ द सिस्टम क्या होंगे, बराबर हो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, बीच में कहीं ब्रेक हो गया लाइन क्या, अच्छा बात नहीं समझ में आ रहा ज्यादातर बच्चों को। देखो दोबारा से समझा देता हूं, ये क्या था, इसी में बना देता हूं, ये क्या था, यहां पे क्या था, ये बने हुए थे ना, मतलब एम वन एम टू एम थ्री एम फोर बना हुआ था सिस्टम। तो हमने उसका क्या निकाल दिया, मूवमेंट ऑफ मास, क्या निकाला, मूवमेंट ऑफ मास। तो मूवमेंट ऑफ मास कितना आया, ये आ गया एम वन एक्स वन, पहला पार्टिकल उसकी दूरी कितनी x1, दूसरा पार्टिकल उसकी दूरी कितनी x2, ऐसे करते करते nवा पार्टिकल nth पार्टिकल mn into xn, ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ मास पूरे सिस्टम का, मोमेंट ऑफ मास पूरे सिस्टम का। अब मैंने कहा कि पूरा जो सिस्टम है उसके जो सारे मास है वो कहां पे कंसंट्रेट होते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो मैंने कहा कि एक पॉइंट है, कोई जगह है, वो उस पे कंसंट्रेट है पूरा मास, उस पर कंसंट्रेट है मास, और उसकी डिस्टेंस रेफरेंस लाइन से कितनी है, उसकी डिस्टेंस है xCOM, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी भाई, जिस पोजीशन पर और किसी उसी रेफरेंस लाइन से, उसी रेफरेंस लाइन से ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। और अब ये m क्या होगा, सारा मास कंसंट्रेट हो गया वहां पे, तो m बराबर क्या, m1 m2 m3 का एडिशन। इतनी बात समझ में आई, अब जो सिस्टम बना, अब सिस्टम पे पास मास कितना है, कैपिटल एम, और दूरी कितनी है एक्स सीओ एम। अब मूवमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, अब मूवमेंट ऑफ सिस्टम होगा एम इंटू सीओ एम। अच्छा ये बताओ, ये वाला इक्वेशन भी मूवमेंट ऑफ सिस्टम दे रहा है, ये इक्वेशन भी मूवमेंट ऑफ सिस्टम दे रहा है, तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी,
बराबर होंगी। तो यानी कि मैं बोलू एक्स सी ओ एम बराबर एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस प्लस सो ऑन प्लस प्लस सो ऑन प्लस एक्स एन प्लस एम एन एक्स एन। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे, यहां से निकालेंगे एक्स सी ओ एम बराबर एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस प्लस सो ऑन प्लस एम एन एक्स एन अपॉन कैपिटल एम, और कैपिटल एम किसके बराबर है, एम वन एम टू उसके बराबर है, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस प्लस सो ऑन एम एन। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो ये क्या आपने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया? फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, समझ के करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, डायमेंशनली भी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि नीचे एक्स होगा कि एम होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये बेटा मास इनटू डिस्टेंस, नीचे क्या है मास तो क्या आया डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। ठीक है ना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है ना, नीचे क्या होगा मास ही होगा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम एन एक्स एन अपॉन क्या एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स थ्री, नहीं एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो x आया है ना, क्योंकि x क्या है एक ही दिशा में, मान लीजिए मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मास डिस्ट्रीब्यूशन दो दिशाओं में होगा तो हम अलग देखेंगे, डिस्क्रीट होगा तो अलग देखेंगे, कंटिन्यूअस होगा तो अलग देखेंगे। ठीक है, भी देखते ही रहेंगे।